तो हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग, व्हाट्सअप, क्या हाल चाल आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि ठीक होंगे। एंड गाइस, आज जो है ना, अभी अर्जेंटली हमें जो है ना हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है। रात में ही प्लान किया था क्योंकि मॉम की तबीयत थोड़ी ख़राब है। बस आप लोगों के साथ मैं एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई आप लोग प्लीज़ यार प्रे कर देना मेरे मॉम। और हॉस्पिटल जा करके मैं बताता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं। फ़िलहाल तो अभी थोड़ा नाश्ता करके अभी मॉम को लेकर के हॉस्पिटल के लिए निकलना है क्योंकि उनका ट्रीटमेंट चल रहा था, बट बीच में कुछ ज़्यादा ही दिक्कत प्रॉब्लम्स अभी आ गई है, तो उसको पहले डॉक्टर को दिखाते हैं। तो चलते हैं, आप बने रहिए। और गैस प्लीज़ यार प्रे कर देना मेरे मॉम के लिए क्योंकि उनको जल्दी से ठीक करना है। तो भाई अभी कुछ टेस्ट वगैरह था, तो हमने कुछ टेस्ट वगैरह करा है मॉम को। अभी एक और चीज़ के लिए डॉक्टर से मिलना है, उनके भी अपॉइंटमेंट ले लेंगे, फिर उसके बाद में जाना होगा नीचे वहाँ पे। अरे पूरा मैसेज दिख नहीं रहा है, तो बेसिकली नीचे जाना, वहाँ पे ECG टेस्ट भी कराना है। और इसके पहले एक और कुछ तो एक और टेस्ट किया था, और दो टेस्ट बचा है, तो सबका टेस्ट करा करके एक डॉक्टर को तो हमने मिल लिए। अभी एक और डॉक्टर से बात करना है, उसके बाद में फिर भाई। और एक कमाल की बात है कि एक और टेस्ट कराना था जिसका डॉक्टर है ही नहीं, कहीं कैंपिंग के लिए बाहर गए हैं। और प्रॉबेबली अगर वो 1 बजे तक आ जाएंगे तो भाई वो वाला भी काम हो जाएगा, नहीं तो फिर नहीं हो पाएगा। तो देखो भाई कुछ इस तरह से, तो चलते हैं भाई। ये वाले हॉस्पिटल से हैं, यार यहाँ पे ना हर जगह पेशेंट ही पेशेंट है भाई। मुझे ना एक और डॉक्टर का एक्चुअली एक और टेस्ट होना था, तो उसके बारे में चेक करना था कि वो अवेलेबल है, क्योंकि जब सुबह आया था तो वो अवेलेबल नहीं थे। और जा रहा हूँ यहाँ पे जाके मैं चेक कर लूँ। तब तक मॉम जो है ना वहाँ ECG रूम है, उनकी ECG टेस्टिंग चल रही है, स्कैनिंग चल रही है। बेसिकली लैब सेंटर है यहाँ पे, एक्चुअली बिलिंग सेंटर वगैरह है पूरे हॉस्पिटल। टिप्पू सुल्तान यह वाला है क्या? टिप्पू सुल्तान का वो चीज़। यह है बैंगलोर फोर्ट, इसके अंदर में चलते हैं। तो ये है गाइस बैंगलोर फोर्ट। तो हम लोग हॉस्पिटल वगैरह उधर है, तो थोड़ा हम बाहर आए और मॉम को भी थोड़ा शांति मिल जाएगा, तो मैंने सोचा चलो यहाँ दिखा ले, क्योंकि डॉक्टर्स वगैरह थोड़ा लंच के लिए गए हैं, अभी लंच का ब्रेक हो गया है। तो ये है कुछ भाई, आप लोग पॉज करके पढ़ लेना। और ये है भाई फोर्ट, भाई इतना पूरा लंबा चौड़ा लिखा है। और टिप्पू सुल्तान जो राजा थे यहाँ के, वहाँ के लिए यहाँ पे ना एक्चुअली पूरा अंदर से सुरंग वगैरह जाने का है जगह। मैं ऐसी एक फोटो वीडियो ले ले छी इस सुरंग यहाँ ना, ये तो गेट ठीक है, यहाँ सब अलग अलग टाइप का सुरंग बनल है नहीं तो मंत्री का खड़ा होवे का जगह है वो सब हमेशा बंदे है ले गया था, कहियो खुला देखे नहीं कैसे तनी तनी वो सब। और ये देखो ये है सुरंग, ये है वाला सुरंग ही कही सब अंदर है, अंदर जमीन के अंदर जाकर का कनेक्ट होवे छे, अंदर सब सुरंग बंद है पूरा होएगा सुरंग है क्या। तो वैसे ये जगह जो है ना एक्चुअली जो टिप्पू सुल्तान थे राजा, तो उनके यहाँ पे मैसूर से और बैंगलोर में जो कनेक्ट होता है उसका ये जगह है। यहाँ पे सभी ये सुरंग वगैरह है, वहाँ पे भी सुरंग है, वहाँ पे भी सुरंग है, हर जगह सुरंग है यहाँ पे। क्या हाइट, ये भाई कितना हाइट है ये। और वहां से भी सुरंग और वो है मेरी मॉम, उनको भी थोड़ा घुमा लेते हैं। धूपो एकदम कड़ा है अगले राजा में, राजा का जगह गाइस। ये देखो सभी सुरंग, सभी सुरंग अलग अलग टाइप के सुरंग है।
अंदर पूरा सुरंग, अंदर पूरा खाली खाली है सर। लय नहीं छे, देखे छे अंदर यहाँ से। ई तो कमरबा तो अंदर चल जेते ना, दिखाई जेते कैमरा में। तो गैस ये है एक्चुअली, वो देखो गैस ये ना पूरा ऊपर बाउंड्री वगैरह बना है, जो बाहर से मैं दिखा रहा था ना वो एक जगह है, और पूरा तरह ऊपर ऊपर। तो वैसे सभी जो है ना पूरा टिपू सुल्तान वगैरह का जगह है। मॉम थोड़ी मेरी आ गई है, वहाँ पे भी दिखाया उनको भी। और यहाँ से गैस पूरा यहाँ से मैसूर वगैरह कनेक्ट होता है, और ये है जगह। अब इसके बाद में फिर से जाना है हमें, कुछ ECG रिपोर्ट्स वगैरह कराना, उसके बाद में हम निकलेंगे। घर पास में ही था तो मैंने सोचा मॉम को दिखा दूँ, और मज़ा आ रहा है भाई यहाँ देख करके। और भाई फ़ोन पूरा ही हीट हो गया, ओवर हीट की वजह से कैमरा ऑफ होते जा रहा है। तो यहाँ देखो भाई अलग अलग लोग भी है यहाँ पे। अच्छा है, छोटा सा है, ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं है, छोटा सा जगह है ये। चलो अब चलते हैं बाहर यहाँ से। तो ये पूरा स्टोरी लिखा हुआ है 1761 AD। वैसे फिर से हॉस्पिटल बैक साइड में, इधर है ECG वाला, और वहाँ पे ECG वगैरह कराएंगे। अभी यहाँ पे फ्री ड्रग काउंटर भी है, क्योंकि फ्री में मेडिसिन दे देते हैं। मैंने ऐसे ऑब्जर्व करा था, एक मस्त वाली चीज़ दिखाता हूँ। देखो वहाँ पे लिखा है नो पार्किंग, देख लो पार्किंग पूरी गाड़ी पार्किंग, नो पार्किंग। तो गैस फाइनली जाकर के मॉम जो है ना अभी ECG का स्कैनिंग चल रहा है, जो कि ये बगल वाले। अरे भाई ये क्या हो रहा है। तो गैस फाइनली जो है ये वाला बिल्डिंग के, मतलब जो है ना इधर इस तरफ में ECG का स्कैनिंग चल रहा है मॉम का, और ये आखिरी स्कैनिंग हो। स्कैन करने के बाद में यहाँ से आज हम निकल जाएंगे। फिर हमें आना है वेडनेसडे को, वेडनेसडे का करके फिर से दिखाना है। और बीच में गैप था तो मैंने आपको भी दिखा दिया, मॉम को भी दिखा दिया छोटा सा फोन। तब बात करें प्रॉब्लम से, प्रॉब्लम क्या पता है, जो मॉम का जो पैर है ना, उनका जो है ना आई सर्जरी चल रहा है, और उसके साथ में डायबिटिक और शुगर पेशेंट भी, और ब्लड प्रेशर का भी इशू है, BP का इशू, और साथ में उनको एक और मेडिसिन चल रहा था जो कि कुछ स्किन रिलेटेड था, बट उससे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। बट रिसेंटली क्या हुआ, ये इतने सारे जो आँख का ये सब चीज़ें चल रहा है, और शुगर लेवल को जो है ना पूरी तरह से कंट्रोल करना होता है, तो वो कंट्रोल करने के लिए उन्होंने डॉक्टर्स ने थोड़े दवाई BP वगैरह एक्चुअली चेंज किया था। स्पेशली फर्स्ट BP का दवाई चेंज किया था ताकि ब्लड प्रेशर को पहले कंट्रोल किया जाए। तो उसके वजह से क्या हो रहा था, पाँव में ना सूजन आ रही थी हल्का हल्का। तो हमने एक महीने से, मतलब 3 हफ्ते से ऐसे कुछ आ रहा था, कभी चला जा रहा था आ जा रहा था। हमने सोचा चलो ठीक है, नॉर्मल है, कुछ काम वगैरह की वजह से, स्ट्रेस की वजह से भी हो सकता है, बट ये कंटिन्यू रहा। और तो इसी की वजह से जब डॉक्टर से बात किए, और जब लास्ट वीक यानी करीब 5-6 दिन पहले मैं जब आए थे, तो वहाँ पे जो ना इवन शुगर को भी कंट्रोल करने के लिए शुगर का जो टैबलेट्स का जो डोज बढ़ाया गया टैबलेट्स पर, और उसके बाद से भाई 3-4 दिन से ना पाँव ज़्यादा ही फूलना स्टार्ट हो गया। तो फिर अचानक से ये डिसाइड करना पड़ा कि हाँ चलो भाई अचानक से चलो डॉक्टर को मिलते हैं बात करते, क्योंकि ये तो मतलब ज़्यादा 3-4 दिन से कुछ ज़्यादा ही हो गया था, इसलिए अब आए हैं। और बाकी और सब तरह का भी टेस्ट वगैरह है, अभी दवाई वगैरह भी चेंज कर दिए BP, और डॉक्टर ने बताया कि एक्चुअली जो ना ब्लड प्रेशर जो BP का जो दवाई दिया था उसकी वजह से इश्यू आ रहा था, तो उसको चेंज किया गया है अभी, और दूसरे मेडिसिन दिया गया है सर, और बाकी शुगर वाले मेडिसिन से सेम रहेगा। और बाकी रिपोर्ट्स वगैरह देखने के बाद में वेनेसडे को हमें फिर से यहाँ आना है, और फिर वहाँ पे दिखाना है कि फिर डॉक्टर देख करके बताएंगे क्या करना है, क्योंकि उनको जो ना आई के लिए कुछ मेडिसिन छोड़ेंगे, उसके बाद में अगर उससे भी नहीं हुआ तो फिर सर्जरी वगैरह करना होगा, तो वो सब चीज़ें डिसाइड है। बाकी चलो अब करीबन 3 बजने वाले हैं यहाँ पे, बाकी सभी काम हो गया, बस एक रिपोर्ट से ECG वाला करवा करके स्कैन कलेक्शन वगैरह उसी दिन कर लेंगे आने के बाद में रिपोर्ट वगैरह, और इतना करने के बाद अब घर निकलते हैं और देखते हैं भाई बाकी सभी। तो मैं सीधा आपसे मिलता हूँ, आप सीधा घर जा। तो भाई फाइनली मम्मी का ECG स्कैनिंग वगैरह हो गया, अब हम निकलते हैं, ये रहा एग्ज़िट, चलते हैं आप सीधा घर जा करके मिलता हूँ आपसे। ये है हॉस्पिटल, यहाँ से अब निकलते हैं गाड़ी यहाँ पर। ये वाला बैक साइड है यहाँ पे, और ज़्यादा नहीं जला हुआ है, देखो ये वाला फ्रेम भी सही है, और ये वाला भी फ्रेम भी सही है,
और यहाँ पे थोड़ा जला हुआ है ये वुड, और इसको कवर करना है, ये बैक साइड वाला है। और इसी तरह अगर आप साइड में आओगे, जैसे ये लेफ़्ट साइड वाला ये जो हैंड रेस्ट है वो यहाँ है, और ये भी ठीक ही है हैंड रेस्ट, बट इस तरफ से ये ऐसे जला हुआ है और अंदर की तरफ है। तो गैस अभी के बज रहे हैं एक्चुअली 5:00 PM, मैं वीडियो एंड नहीं किया था। एंड एक्चुअली जो ना वहाँ से हॉस्पिटल से आए घर, घर आने के बाद फिर वहाँ रेडी होकर के मुझे ऑफिस जाना पड़ा। फिर ऑफिस में आप लोगों को पता है किस तरह से कांड वगैरह होकर रखा है, तो उन सभी चीज़ों के चक्कर में भाई हम लोग यहाँ वहाँ बहुत जगह दौड़े ताकि चीज़ों को ठीक कर जाए। इसकी वजह से गैस घर आते आते फिर से थक गया, हालत ख़राब है, पैर अभी कभी कंटिन्यूसली 7-8 दिन हो गया गैस, एक दिन भी रेस्ट नहीं, मतलब हालत ख़राब है, कुछ ना कुछ चीज़ें चल ही रहा है। तो फाइनली एनीवेज जो लोगों ने भाई यहाँ तक वीडियो देखा भाई, दिल से थैंक यू भाई, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट टिल हियर। एंड मैं मिलता हूँ अगले ब्लॉग में, तब तक लिए बाय, एंड आपका दिन अमेजिंग हो, बाय। और गाइस सभी हमारे दोस्तों को, भाइयों को भाई हैप्पी रमज़ान, जिन लोगों का फेस्टिवल स्टार्ट हो चुका है, दिल से हैप्पी रमज़ान, बाय।